सजावट के पौधे के तौर पर लगाए गए चीड़ ने उत्तराखंड के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाकर चिंता बढ़ा दी है। वन महकमे के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो प्रदेश के कुल वन भूभाग के करीब 16% हिस्से में चीड़ के जंगल पसर चुके हैं। इससे आग की घटनाओं का अंदेशा बढ़ जाता है। असल में चीड़ की पत्तियां, जिन्हें स्थानीय बोली में पिरुल कहा जाता है, ज्वलनशील होती हैं। फायर सीजन के दरमियान चीड़ की पत्तियां और फल जंगलों में आग के फैलाव का बड़ा कारण बनते हैं। यही नहीं, जंगलों में जमा होने वाले पिरुल के कारण जहां दूसरी वनस्पतियां नहीं उग पाती, वहीं बारिश का पानी धरती में नहीं समा पाता। अम्लीय गुण के चलते पिरुल को जमीन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि वन महकमे ने चीड़ के पौधों का रोपण तो बंद कर दिया है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसका निरंतर फैलाव हो रहा है। जानकारों के मुताबिक यदि चीड़ के फैलाव को रोकने के लिए समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो बांझ को सिमटते देर नहीं लगेगी। असल में सदाबहार बांझ जल संरक्षण में सहायक है और इसकी वजह से जंगलों में लगातार नमी बनी रहती है। अग्निकाल में बांझ के जंगल महफूज रहते हैं। चीड़ से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए इसे हटाने और इसकी जगह मिश्रित वनों को बढ़ावा देने की बात लंबे अरसे से उठ रही है, मगर ये मुहिम परवान नहीं चढ़ पाई। अलबत्ता पर्यावरण के लिहाज से सबसे खतरनाक माने जाने वाले पिरुल के व्यावसायिक उपयोग ढूंढे गए, मगर ये प्रयोगात्मक स्तर पर ही हैं। यही नहीं, सरकार ने पिरुल से बिजली बनाने के साथ ही इसके व्यावसायिक उपयोग के मद्देनजर नीति भी जारी की है। इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि चीड़ को नियंत्रित किया जाए, लेकिन इन प्रयासों को पंख लगने में अभी वक्त लगना तय है। यह भी देखना होगा कि पिरुल से बिजली और अन्य उत्पादों यथा ब्रिकेट, सजावटी वस्तुएं आदि की मांग व इससे रोजगार की स्थिति क्या है। कहने का आशय यह है कि चीड़ से पान पाने को प्रभावी विकल्प ढूंढने होंगे।